हेलो दोस्तों, दिस इज सोहेल हुसैन और आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा मैं वैसे कुछ अपने कैबी का। तो ये जो कैबी एरिना की वेबसाइट आपको दिख रही है, यहाँ पर कुछ टोकन स्टेक करने वाले, तो मैंने सोचा क्यों ना क्विकली आपके लिए वीडियो भी बना दूं हाथों हाथ। तो इनका एक अभी इवेंट चल रहा है कैबी जेनेसिस NFT, उसमें क्या है आप लोगों को कम से कम 1000 NFT जो है, 1000 KB टोकन्स को स्टेक करना है, उसके बदले में आपको एक NFT मिलेगी। तो और वो NFT जो मिलेगी वो इन 2000 लिमिटेड एडिशन के भी NFTs में से एक होगी। और उसके अलावा जब ये इसको आप स्टेक कर दोगे तो उसके बाद आप लोगों का अक्टूबर में, यानी 10 अक्टूबर के आसपास है इनका, तब तक आप इसको अनस्टेक नहीं कर, 15 अक्टूबर तक है लॉकिंग पीरियड उसके, तब तक आप लोग इसको अनस्टेक नहीं कर सकते। उस पर आपको जो है कुछ रिटर्न भी मिलेगा, तो वो एक ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। और अभी मैं आप लोगों को सीधा करके दिखाता हूँ आपको करना कैसे है। आपको जो है अपना वही मेटामास्क का वॉलेट आप लोगों को कनेक्ट करना है, और सबसे पहले तो कैबी टोकन ही बाय करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे आके यहाँ से लिंक कॉपी कर सकते हैं कैबी एरिना का, और मैं बाइनेंस स्मार्ट चेन पे करना चाहता हूँ, ये मैटिक पे भी आप कर सकते हैं नेटवर्क पे। तो यहाँ से मैं USDT सिलेक्ट करूँगा, मैक्सिमम हिट कर दूंगा और यहाँ से अपना कैबी का एड्रेस पेस्ट कर दूंगा। ये टोकन हमारा आ जाएगा, ये मुझे करीब 1200 कैबी टोकन्स मिलेंगे। और स्वैप पे क्लिक करूंगा मैं, और यहाँ पर देख सकते हैं मुझे कितना कितना मिलेगा। तो यहाँ पे कंफर्म करना है, मेटामास्क का हमारा ओपन हो जाएगा, इसको कंफर्म कर देंगे और ये हमारे कैबी टोकन्स हमारे पास आ जाएंगे। अब अगला अगला काम क्या होगा हमारा, अगला काम होगा स्टेकिंग का। अब यानी कि हमको कैबी पे जाके, वेबसाइट पे जाके स्टेक करना है। तो जैसे ही हमारे टोकन आ जाते हैं तब हम स्टेकिंग पे लगा देंगे। तो दोस्तों ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई है। अब हमको क्या करना है, अगला काम हमको करना है कि स्टेकिंग पे लगाना है। तो यहाँ पर आएंगे आप वेबसाइट पे, स्टेक पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो है हमको क्या करना है, मैक्सिमम जितना भी है मेरे पास वो मैं ला के आपको जो है उसमें दिखा दूंगा। अभी यहाँ पर शायद मेरा जो है रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, बट जैसे ही रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पर पता लग जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। अब मेरे कैबी टोकन्स यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको। यहाँ पर करूँगा मैं मैक्सिमम कर दूँगा और एक बार अप्रूव करूँगा इसको, और अप्रूव जैसे ही करूँगा तो यहाँ पर कुछ फीस कटेगी मेरी BNB में, क्योंकि मैं बाइनेंस स्मार्ट चेन पे कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कट गई। अब इसके बाद एक बार और आप लोगों को अप्रूव करना पड़ेगा इसको। यहाँ पर जब एक बार अप्रूव करोगे तो कन्फर्म कर देना है बस। अब यहाँ पर जो है आपका ट्रांजेक्शन सबमिट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनस्टेक का ऑप्शन डिसेबल हो रखा है। ये आपको 15 तारीख तक का जो है टोकन आप लोगों को लॉक करके रखने पड़ेंगे। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आपके आकर देखोगे तो अब यानी आज 8 तारीख को ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब जब मैं ये अपनी NFT क्लेम करूँगा तो वो मेरे ख्याल से इन्होंने 10 तारीख को दी है। वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस दैट आर मतलब जो भी NFT हीरोज़ विल बी अवेलेबल टू परचेज ऑन 10th September। तो 10 सितंबर यानी 2 दिन बाद मैं यहाँ पर आके अपनी NFT क्लेम कर सकता हूँ। और दूसरी बात यह है, अभी मैंने इस वजह से ये टोकन बाय करा क्योंकि देखो 17% के आसपास डिप में अवेलेबल है, और अभी थोड़ी गेमिंग NFTs की हाइप भी बनी हुई है। तो अगर इसमें मान लो मुझे 15 तारीख तक अगर प्रॉफिट भी हुआ, यहाँ से 1x 2x भी चला गया, तो मुझे वहाँ पर भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने टोकन बाय करा है। अगर यहाँ पर नहीं हुआ तो मुझे कुछ रेयर NFT मिल गई और वहाँ पर एक अच्छा मुझे NFT मिल गई, तो मैं उसको भी सेल करके अच्छे पैसे बना सकता हूँ। तो बस यही था। अगर कोई अगर आप लोग चाहते हैं तो 1000 NFT मतलब कम से कम आप लोगों को वही $100-150 के आसपास खर्च करने होंगे, और चाहते हैं आप लोग टोकन भी अच्छा है, वैसे तो अभी गेमिंग NFTs की हाइप भी बनी हुई है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कर सकते हैं बाय, बट अपने रिस्क पर करना, नुकसान भी हो सकता है। मैंने भी इसीलिए आपको वीडियो में करके दिखाया है क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं भाई तुम करके तो दिखाओ सामने। तो बहुत सारी, अभी ये मैं करने वाला था वीडियो, ये मैं बनाने नहीं वाला था, फिर मैंने कहा नहीं जब मैं कर ही रहा हूँ तो साथ के साथ वीडियो भी रिकॉर्ड कर देता हूँ। बस यही था। इस वीडियो में अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो को कमेंट करके बताना कुछ सजेशन हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।